नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निहारिका है और आज मैं आपको 2D इको टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2D इको टेस्ट क्या होता है, इसे हम कैसे करते हैं, इसे क्यों किया जाता है और इसके रिजल्ट से हमें क्या क्या पता चलता है। अगर आपको इसी तरीके के हेल्थ से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2D इको टेस्ट क्या होता है। 2D इको टेस्ट को हम 2D इको कार्डियोग्राफी भी कहते हैं। ये टेस्ट आपके हार्ट के लिए किया जाता है, इससे आपकी हार्ट की फिटनेस का पता चलता है। इसमें आपके हार्ट को एक मॉनिटर पे देखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि आपका हार्ट ठीक तरीके से अपना काम कर रहा है कि नहीं और आपके हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है कि नहीं। तो आइए अब हम देखते हैं कि 2D इको टेस्ट क्यों किया जाता है। तो 2D इको टेस्ट इन कंडीशंस में किया जाता है। सबसे पहले जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपके चेकअप के दौरान आपके डॉक्टर को कुछ हार्ट मर्मर सुनाई दिया है, यानी कि एक एबनॉर्मल साउंड, अगर उनको ऐसा कुछ हार्ट मर्मर या एबनॉर्मल साउंड सुनाई दिया है स्टेथोस्कोप से, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको कोई दिल की बीमारी हो गई है। तो ऐसी कंडीशंस में आपके डॉक्टर आपको 2D को टेस्ट कराने की सलाह देंगे। दूसरा, अगर आपको दिल की बीमारी होने के लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि आपके सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपको दर्द के साथ बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, आपकी सांस फूलने लगती है, अगर ऐसे आपको लक्षण आ रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपको दिल की बीमारी है और आपको इसके चेकअप के लिए, इसके टेस्ट के लिए 2D को टेस्ट कराने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको दिल की बीमारी होने के लक्षण नहीं आ रहे हैं और चेकअप में भी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखी है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, अगर आपको मोटापा है, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, 6 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी नहीं होती, आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी कि आपके परिवार में किसी को दिल की बीमारी है, अगर ये सारी कंडीशंस भी हैं और अगर आपका खाना ठीक नहीं है, यानी कि आपके खाने में बहुत ज़्यादा तेल और चिकनाई वाला खाना आप इस्तेमाल करते हैं, अगर ये सारी कंडीशंस भी हैं तो भी आप दिल की बीमारी होने के खतरे में रहते हैं, आप रिस्क में रहते हैं। तो अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में, रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि आप आज दिल के मरीज नहीं हैं, लेकिन अगर ये फैक्टर्स हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आप दिल के मरीज बन जाएं। तो अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपकी लाइफ में हैं तो आपको आपके दिल का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए और साल में कम से कम एक बार आपको अपना चेकअप, रेगुलर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो क्या 2D इको टेस्ट पेनफुल होता है? बिल्कुल नहीं, 2D इको टेस्ट बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको किसी ब्लड सैंपल की ज़रूरत नहीं होती, आपको इंजेक्शन नहीं लगता। ये एक्सरेज की तरह हार्मफुल भी नहीं होते क्योंकि इसमें रेडिएशंस यूज़ नहीं होते, ये अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। तो क्या ये टेस्ट कराने के लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत होती है? जी नहीं, ये टेस्ट कराने के लिए आपको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मॉर्निंग में आना या खाली पेट आना या कुछ दवाइयों को बंद करना, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपका अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, आपको बुलाया जाता है और आपको एक मेज़ पर लेटने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आपकी छाती में एक जेल लगाया जाता है जो कि एक कलरलेस जेल होता है। फिर एक ट्रांसड्यूसर लिया जाता है। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है, ये डिवाइस आपकी छाती पे रखा जाता है और सब तरफ घुमाया जाता है। इससे कुछ साउंड वेव्स बनती हैं जो कि आपकी छाती से होकर आपके दिल तक जाती है और फिर वहाँ से वापस आती है। इस प्रोसेस में आपके हार्ट की पिक्चर्स बनती हैं, यानी आपके हार्ट की तस्वीरें बनती हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। ये पिक्चर्स मूविंग पिक्चर्स होती हैं, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके हार्ट का वीडियो बन के आता है। तो ये मूविंग पिक्चर्स आपके डॉक्टर देखते हैं स्क्रीन पे और फिर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है आपके हार्ट में तो वो इन पिक्चर्स में दिख जाती है। अगर आपका 2D इको टेस्ट नॉर्मल आया है तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है और आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन अगर आपका 2D इको टेस्ट नॉर्मल नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है और फिर आपको आगे और स्पेसिफिक टेस्ट कराने के लिए कहा जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। 2D इको टेस्ट की रिपोर्ट्स तुरंत ही आ जाती हैं,
जो आपके हार्ट की इमेजेस निकल के आती हैं वो ही आपको रिपोर्ट्स में दे दी जाती हैं, जो कि आपको तुरंत ही मिल जाती हैं। ये टेस्ट कराने में आपको 1 घंटे का समय लग सकता है या इससे कम में भी टेस्ट हो जाता है। इस टेस्ट के बाद आप अपने घर जा सकते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि 2D इको टेस्ट से हमें किन किन बातों के बारे में पता चलता है। तो 2D इको टेस्ट से हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2D इको टेस्ट से हमें दिल की बीमारियों के बारे में पता चलता है। इस टेस्ट में हम आपके हार्ट को स्क्रीन पे देखते हैं और आपके हार्ट की सारी चैम्बर्स, आपके हार्ट की मसल्स, आपके हार्ट का ब्लड फ्लो, ये सारी चीज़ें हम 2D इको टेस्ट से देख सकते हैं। तो अगर आपके दिल में कोई छेद है तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर आपके दिल का आकार बढ़ गया है तो वो 2D टेस्ट में पता चल जाएगा। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी हमें 2D इको टेस्ट से पता चल जाएगा। अगर आपके दिल के मांसपेशियों को कुछ नुकसान पहुंचा है तो वो हमें 2D इको टेस्ट में दिख जाता है। यूजुअली हार्ट अटैक के बाद दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, तो वो हम इस 2D इको टेस्ट में देख सकते हैं। आपके दिल में किस तरीके से ब्लड पंप हो रहा है वो भी हमें दिख सकता है, यानी कि आपके दिल की पंपिंग स्ट्रेंथ, यानी कि पंपिंग क्षमता हम देख सकते हैं। क्योंकि हमारे हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट में ब्लड आता है और फिर वहाँ से सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अगर आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, कहीं मांसपेशियों में कोई तकलीफ़ आ गई है, कहीं किसी कुछ में प्रॉब्लम आ गई है, तो आपका हार्ट ठीक तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और वो हमें 2D को टेस्ट में दिख जाएगा। इसके अलावा अगर कोई क्लॉट है तो वो भी हमें 2D को टेस्ट में दिख जाएगा। तो ओवरऑल हम 2D इको टेस्ट से आपके हार्ट के सारे वेंट्रिकल्स, चैम्बर्स और मसल्स, हम ये सारी चीज़ें, ब्लड फ्लो, ये सारी चीज़ें हम 2D इको टेस्ट से देख सकते हैं। और कहीं भी कोई एबनॉर्मलिटी हो तो वो हमें 2D स्कैन से पता चल जाता है। तो ओवरऑल 2D इको टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दिल की बीमारियों को पता लगाने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कोई टेस्ट कराने जाए तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जहाँ से टेस्ट करा रहे हैं वो लैब रेपुटेटेड और रिलायबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी रेपुटेटेड और रिलायबल लैब से अपना टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपके रिजल्ट्स भी प्रॉपर नहीं आएंगे और फिर आगे आपके ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम जा सकती है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे ही किसी रिलायबल और रेपुटेटेड लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको 2D इको टेस्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल गई हो। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।